आज का वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आप एक मसीही हैं तो वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तो आपके सामने जीवन और मरण की बातें रखी हैं। आँख खोल कर इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए, जो आप पाप करते हो गुप्त में करते हो, चाहे जहाँ छिपके पाप करते हो, तो जिस ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि यीशु ने मुझे नहीं देखा है, अगर और मैं पाप करके स्वर्ग भी चला जाऊंगा, तो आप गलत हो। नो, परमेश्वर आपको स्वर्ग नहीं देगा। जैसे सबूत देशक बारह देखे 14 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का न्याय करेगा, चाहे वे भली हो चाहे वे बुरी, सबका न्याय करेगा। जब परमेश्वर स्वयं सिंहासन के सामने न्याय करेगा, देखिए परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है, न्यायी परमेश्वर है। इस बात को याद रखना, अच्छी बातें हो या बुरी बातें हो, चाहे गुप्त में हो चाहे खुले में हो, पाप हो चाहे जो भी पाप हो, सबका परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा। देखिए, परमेश्वर ने हम सभी लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना कीमती रक्त बहाया। कब सुधरोगे भाई? अभी आपके पास मौका है। परमेश्वर किसी को नाश करना नहीं चाहता है, क्यों पाप करके नरक में जाना चाहते हैं? क्या कुछ कुछ ऐसे मसीह हैं जो कहते हैं, चलो एक बार पाप कर लिया जाए फिर यीशु से माफ़ी मांग लेंगे। ऐसे लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जब यीशु ने व्यभिचारी स्त्री को क्षमा किया था, तो यीशु ने उससे कहा था, जा फिर दोबारा पाप नहीं करना। तो आप लोग बार बार क्यों पाप करते हो भैया? परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है भैया, परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक अच्छी बात नहीं है। वह न्याय परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परमेश्वर याद रखना इस बात को, आप पाप करके यीशु का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ना मेरा कुछ कर पाओगे। अगर आप पाप करते ही रहोगे तो आपको पता ही है कि मुझे कहाँ जाना पड़ जाएगा। जब मसीह में नहीं थे तब भी गर्लफ्रेंड, और मसीह में आने के बाद फिर भी गर्लफ्रेंड, 12-12 बजे गर्लफ्रेंड को फोन कर रहे हैं, तू कहाँ है, मैं इधर हूँ, खाना खाया कि नहीं खाया है, बस यही हो रहा है आज। क्या है सब? आप जो पाप कर रहे हो परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा स्वर्ग सिंहासन के सामने, तब आपको वही लिस्ट खोल के दिखाया जाएगा। तब वहाँ रोने और गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा, इसलिए भी संभल जाओ और बचा लो अपने आप को। देखिए, आप मनुष्यों से छिपकर पाप कर सकते हो, मगर परमेश्वर की नज़रों से छिपकर आप पाप नहीं कर सकते हो, जैसा लिखा हुआ है अय्यूब 34:21 में, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिसमें अनर्थ करने वाले छिप सके। परमेश्वर की आंखें हर समय हर पल हर मनुष्य को देखती रहती है, हर मनुष्य को जांचती रहती है, चाहे वह मसीह में विश्वास करता हो चाहे वह अन्य जाति हो, सबको देखती रहती है कि कौन मनुष्य क्या कर रहा है, कौन मनुष्य कैसी चाल चल रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य का ऐसा कोई समय नहीं ठहराया भैया कि वह या परमेश्वर से छिपकर पाप करे जाके। अभी समय है, सुधर जाओ। क्यों पाप करके अंदर के में जाना चाहते हो भैया? थोड़ी सी मजा, थोड़ा सा काल की सजा लेने के चक्कर मत करो भाई, बहुत भयानक सजा दी जाएगी, नरक में डाल दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा ना, उसको जलाइए और उस पर अपना हाथ रखिए, आपको पता ही चलेगा कि आप उस आग को कितनी देर तक बर्दाश्त कर पाएंगे। अरे जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो उस नरक की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? सुधर जाओ मेरे भाइयों, जरा सोचा है आपने? यीशु ने कहा है अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे कि तुम सावधान रहना कि कोई शैतान कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, तुम इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। यीशु ने अपने वचन में साफ साफ कह गए हैं, अगर तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे। यीशु ने साफ साफ कहा है, अगर तुम शारीरिक दशा में हो तो मैं तेरी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, तुम चाहे जितना नाक रगड़ लो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दूंगा। आज मसीह बार बार पाप करके यीशु का दिल दुखा रहे हैं, बार बार पाप करके यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। हे मेरे भाइयों, यीशु ने इसलिए अपना लहू नहीं बहाया, इसलिए नहीं बहाया कि तुम रात में जाके सेक्सी वीडियो देखो, लड़कियों से बात करो। जिस मसीह को वचन पता होता है, वचन मालूम होने के बाद भी पाप करता है, तो सुनो, तो उसको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा ही
परमेश्वर है जो आपके और हमारे लिए उसने अपना कीमती रक्त बहाया भाई। आज भाई भाई का कत्ल कर देते हैं धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो आपके लिए कौन लहू बहाएगा, जरा सोचा है अपने। आज के इस समय में पत्नी यीशु पर विश्वास करती है और पति यीशु पर विश्वास नहीं करता है, तो पति दारू पी के शराब पी के अपनी पत्नी को मारता है, गालियाँ देता है, ऐसे करके उन्हें बहुत बताया जा रहा है। अभी आप लोग दुख तकलीफ सह लो, किसी के डराने से धमकाने से यीशु को मत छोड़ना भैया। इसके लिए आप पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए, जैसे प्रकाशित हुआ कि 20,000 की तीन और चार वचन में पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से क्या कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उनका परमेश्वर होगा, और चार वचन में और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद न मृत्यु रहेगी और न शोक रहेगा और न विलाप रहेगी। पहली बातें जाती रही, योहन्ना देख रहा है दर्शन के द्वारा, क्योंकि सारी प्रकाशित वक्त योहन्ना ने लिखे दर्शनों के द्वारा। नए आकाश नए यरूशलेम में परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और हम सभी लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे और हम उसके लोग होंगे, और परमेश्वर हमारे आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। कि आप शरीर में दुख तकलीफ सह रहे हो भैया, पृथ्वी पर कितना दुख तकलीफ से झेल रहे हो, तो हम शरीर में ही राज करेंगे नए आकाश नई पृथ्वी पर, और इसके बाद ना मौत रहेगी, ना दुख रहेगा, ना तकलीफ रहेगी, और ना पीड़ा, ना शोक, ना विलाप, कुछ नहीं रहेगा, सब बातें बीत जाएंगी, ये सब परमेश्वर नया कर देगा। बस हमें यीशु पर विश्वास रखना है, निष्कलंक रहना है, पाप नहीं करना है। तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। इस वीडियो को दबा के शेयर करें, ठीक है भैया। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी को जय मसीह की।